हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबके लिए बहुत बड़ा न्यूज है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से जो वैकेंसी TRE3 है वो निकल चुकी है, उसी का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 1 to 5, 6 to 8 एंड 9, 10th एंड 11, 12th विद्यालय के लिए जो रोस्टर है, ये इसकी वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। सभी चीज़ों को यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 to 5, 6 to 8, 11, 12th विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति कितनी है, किस वर्ग में सीट, किस विषय में, इसको इसका भी जो है डाटा इस वेबसाइट पर, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हैं और यहाँ पे मुख्य मुख्य चीज़ों को मैं बताऊंगी और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी एंड वहाँ पे जाके आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। एंड अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में संचालित हो सकता है। और यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET और STET या STET के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो भी अपेयरिंग है, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आपको मौका नहीं मिल पाया, इसके लिए आप सबको कष्ट होगा। और फोर्थ TRE4 में आपको मौका मिलेगा, अभी आप सबको अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। एंड दोस्तों, मुख्य मुख्य चीजें यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, जो भी होगा तो इसके लिए सभी भारत के सभी लोग भर सकते हैं, भारत का नागरिक हो। एंड विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और पारिशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य हो, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण हो वही यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग अध्यापकों के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए CTET Paper 1 और BTET Paper 1 चाहिए उत्तीर्ण। एंड 6 to 8 के लिए CTET Paper 2 और BTET Paper 2। 9, 10th के लिए और 6 से 10 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए क्लास 9, 10th के लिए STET Paper 1 एंड 11, 12th के लिए STET Paper 2 पास होना आवश्यक है। एंड दोस्तों, और सभी चीज़ें जैसे कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, जो होने वाला है, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो भी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा, वह भर सकते हैं। एंड दोस्तों, अब यहाँ पे दिया क्या है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापन 521/17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, यानी कि 90 अंक आपका CTET या BTET में होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक होना चाहिए। बट दोस्तों, 55% महिलाओं के लिए सभी कोटि के लिए बोला है, लेकिन यह किसको माना है, केवल बिहार के लिए बोला है कि सभी राज्य के लिए? ये अभी फॉर्म भरते समय तो कुछ बोला जाता है, बट नियुक्ति के समय नहीं लिया गया बहुत सारे जिलों में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। एंड अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा CTET BTET में। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो अर्हता दिया गया है सबके लिए, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि क्लास 1 to 5 के लिए 50% अंकों के साथ जो आप द्विवर्षीय डिप्लोमा करते हैं एंड 45% अंकों के साथ इसके समकक्ष कोई भी आपका डिप्लोमा द्विवर्षीय होना चाहिए। अच्छा, 50% अंकों के साथ BLED होना चाहिए
या उसके समकक्ष दिवसीय डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे सभी अर्हताएं आप देख लीजिएगा किसके लिए क्या अर्हताएं हैं, तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा। एंड अब हम चलते हैं, आप सभी लोग जान गए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा विषय के लिए क्लास 9-10 के लिए आप शारीरिक शिक्षा मेरे चैनल पे शारीरिक शिक्षा के सभी टॉपिक को पढ़ाया जाता है, इसलिए शारीरिक शिक्षा पर मैं यहाँ पे गौर कर रही हूँ कि शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9-10 तक विद्यालय अध्यापक एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6-10 तक के लिए आवश्यक शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि चाहिए। एंड यहाँ पे ये सभी चीज़ें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे और सभी विषय का दिया गया है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे देख सकते हैं 11-12 के लिए सब्जेक्ट दिया गया है, 11-12 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड बॉटनी जूलॉजी मैथ यहाँ पे दिया गया है। एंड जो सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रहेगा आप देख सकते हैं इसको। एंड फिर हम चलते हैं दोस्तों, जो आपका यहाँ पे हम देखते हैं जो पदों की संख्या है और उसकी अर्हता है, यहाँ पे अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि जो आपका पहले हिंदी को हटा दिया गया था लेकिन आपका हिंदी इंग्लिश जो होगा 30 मार्क्स यानी कि 3 पार्ट में एग्जाम होगा, 2 भाग में एग्जाम होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका हिंदी होगा, हिंदी इंग्लिश एंड जिसमें 30% अंक आपका लाना आवश्यक है, जैसे कि समय 2.5 घंटा होगा, 150 क्वेश्चन होगा 150 अंक का। प्राथमिक विद्यालय 1-5 के लिए 2 पत्र भाग होंगे, जो दो यानी कि पत्र 2 भाग होंगे यानी कि भाग 1 भाग 2। भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी हिंदी या उर्दू होगा जिसमें 30% अनिवार्य होगा लाना। अब भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए जिसमें आपका 40 अंक का होगा, 40 क्वेश्चन, जो प्राथमिक गणित मानसिक दक्षता परीक्षण सामान्य जागरूकता सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल पर्यावरण शामिल होगा। एंड उसके बाद 40 जो भाग 2 होगा उसमें 40 अंक का सामान्य अध्ययन होगा और 80 अंक का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो SCERT NCERT के आधार पर होगा। उसी तरह आपका 6-8 में भी होगा एंड उस प्रकार आपका 9-10 में भी होगा, 9-10 में भी होगा। जो सामाजिक विज्ञान के लोग हैं उनके लिए जो सेक्शन 1 होगा विषय में वो इतिहास विषय का चयन करेंगे करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में से कोई एक चुन सकते हैं। यदि सेक्शन 1 में भूगोल चुनते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के में से कोई एक चुन सकते हैं। इसी तरह 11-12 का भी है। एंड अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे विषय अर्हता की हम बात कर चुके, अब हम मेधा सूची की बात करेंगे। तो दोस्तों जो मेधा सूची रहेगी वो किस आधार पर बनेगी आपकी, यहाँ पे आपको जानना अति आवश्यक है। मेधा सूची के साथ साथ आपको देखना है कि आपको सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% अंक, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और निःशक्त दिव्यांगों को 32% न्यूनतम अर्हता लाना अनिवार्य है, तो वो पास रहेंगे यानी कि अर्हता में गिने जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेधा सूची की हम बात करते हैं, तो मेधा सूची ये कैसे तैयार किया जाएगा आपका मेरिट, तो सबसे पहले आपको अगर लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 और 2 तीनों के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग 2 और 3 भाग 1 आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा जिसमें 30 अंक लाना, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, यानी कि 9 नंबर 30 में से 9 नंबर। और जो मेधा सूची बनेगा भाग 2 और 3 के आधार पर बनेगा, 2nd भाग आपका 40 अंक का GS रहेगा एंड 3rd भाग आपका सब्जेक्ट रहेगा।
तो उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ कि कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में जो चयनित विषय भाग थर्ड है उसके प्राप्त अंक के आधार पर रखा जाएगा। अगर फिर भी विषय में भी समान अंक है तो भाग एक जो विषय भाग एक जिस भाषा है उसमें देखा जाएगा किसका ज्यादा है। अगर भाषा में भी समान है दोस्तों तो मेधाक्रम विषय में भी समान होता है भाषा में भी, तो उम्र तथा उम्र में समानता होने पर तब एक सेकेंड आप देख लीजिए कि पहले जब समान समान अंक आ गए तो विषय में जिसका ज्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा, जब विषय में भी समान समान हो गए तो भाषा में जिसका रहेगा भाग एक में उसको लिया जाएगा, उसमें भी समान होने पर आपका उम्र जिसका ज्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा, उम्र में भी समान हो गए दोस्तों तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको आप जानते रहिए किस प्रकार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और जो यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपने इच्छा अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। ठीक है, कई विषय में आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं तो कई फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, बाद में आप सब नहीं बोल सकते हैं, कि औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी एक बार परीक्षा फल जब प्रकाशित हो गया जो पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट है यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, साक्षात्कार कोई नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। याद रखिएगा ये अन्य चीजें आप पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है, सभी चीजें आपके वेबसाइट पर दिया गया है। एंड अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया गया है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में ₹200 अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसको कितना फीस लगेगा। तो शुल्क के बारे में देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए अलग से परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ₹750, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ₹200, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए ₹200 ही है सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों को, दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक के लिए ₹200 एंड अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ₹750 होगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि आपका कब से कब तक रजिस्ट्रेशन है, तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से 23 फरवरी तक है। अब विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी और अंतिम तिथि 25 फरवरी अविस्तारणीय है। एंड दोस्तों जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें सभी प्रमाण पत्र कागजात जो है पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो यस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर जो है उसको भरना होगा एंड बीएसईबी यूनिक आईडी नंबर निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन तिथि अंकित करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो ये सब आपका है और यहाँ पे कुछ दिया है या यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भुगतान राशि वापस नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है सभी चीजें आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें उम्र का कहाँ बात किया है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से तब आपको पता चलेगा कि उम्र सीमा कितना रखा हुआ है। यहाँ पे उम्र सीमा जानना आवश्यक है
और मैं फिर से इसको पढ़ के जहाँ पे भी होगा एक बार फिर से बताने की पूरा कोशिश करूँगी। और किस किस सब्जेक्ट में कितना सीट है दोस्तों, आते ही मैं आप सबको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।